गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है। जो हमने कल बिफोर यस्टरडे जो क्लास हमारी हुई थी क्लास की, उसमें और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अभी आपको आवाज पूरी आ रही है तो ये श्रेयांशी बोलकर बताएं जरा, आपको आवाज आ रही है? हाँ श्रेयांशी, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके गुड, तो अब हम पढ़ते हैं आगे। कल हमने पढ़ा था सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, तो आप देखते जाइए यहाँ पर। बोर्ड क्लियर दिख रहा है? तो आप कल जो हमने पढ़ा था सेंटेंस के टाइप को, और उसमें हमने और आगे दर्शाया था कि सेंटेंस के जो टाइप होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत हमारे आते हैं क्लॉज। क्लॉज के अंतर्गत हमने पढ़े थे तीन क्लॉज के प्रारूपों को, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। इनको हमने कल पढ़ा था। तो नाउन क्लॉज के पार्ट्स को डिफाइन किया जा रहा है, तो आप देखते जाइए। आपको आवाज आ रही है? क्लास में और आगे चलते हैं। हमने जो बिफोर यस्टरडे पढ़ा था सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अभी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, तो इसके सेंटेंस किस प्रकार आते हैं, इस प्रकार देखिए। दे आर सेइंग दिस। सेकेंड सेंटेंस आएगा, यू शुड डू वेल। दे आर सेइंग दिस, यू शुड डू वेल। कल हमारा जो दिस था वो सब्जेक्ट प्लेस पे आ रहा था, इसलिए उसका नाम क्या था? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। और हमारा प्रधान वाक्य जो था वो सब्जेक्ट बेस पे आ रहा था, प्रिंसिपल क्लॉज जिसको हम कहेंगे, जिसकी स्पेलिंग हम लिखेंगे PRINCIPAL, प्रिंसिपल। तो हम इसे कनेक्ट करेंगे जोड़ने के लिए, तो हम जोड़ते हैं यहां पर। तो हम लिखेंगे पहला वाक्य, दे आर सेइंग दिस की प्लेस पर अभी सिंपल सेंटेंस है। सेकंड यदि नेगेटिव होता है सिंपल, तो हम इसको जब ज्वाइन करते हैं तो हम जोड़ेंगे दैट से। दे आर सेइंग दैट यू शुड डू वेल। ये हमारे वाक्य कंबाइंड हो गया है। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और वर्ब को हमने जोड़ा है, तो ये है दे आर सेइंग दैट यू शुड डू वेल। तो इसमें ये जो है हमारा, यह है प्रिंसिपल क्लॉज, प्रधान उपवाक्य। और द रिमेनिंग क्लॉज इज इसमें अभी जो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब में आ रहा था वो इस तरफ जो आ रहा था वो था हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और जो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ जो सेंटेंस था वो था हमारा नाउन क्लॉज। तो अब चूंकि कंजंक्शन हमारा ऑब्जेक्ट बेस पर आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट बेस पर आने वाले कंजंक्शन से जुड़ा हुआ वाक्य हमारा कहलाएगा नाउन क्लॉज। ठीक है, और जो रिमेनिंग क्लॉज है वो होगा प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, अब इसके वाक्यों के प्रारूप के अनुसार और आगे बढ़ते हैं। तो आपको सेंटेंस बनाना है और फिर आप आज के इसके उत्तर देना। तो जैसे हम उदाहरण के लिए लिखते हैं यहां पर,
ही इज बिलीविंग दिस दे कैन अचीव समथिंग. ही इज बिलीविंग दिस दे कैन अचीव समथिंग. तो कंबाइन दिस सेंटेंसेस विद नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. तो आप बताइए ये बोलकर सुजल आप बताइए. सुजल दुबे आवाज आ रही है आपको? हाँ अभी आपका स्पीकर ऑन हुआ था, ऑन की भी आप फिर आएगी आपकी आवाज, अभी ऑफ है. कौन बताएगा इसका आंसर? He is believing this, they can achieve something. हाँ सुजल बताइए. Achieve something that is believing this. दोबारा बोलना इसके एक बार. They can achieve some that he is. नहीं ये अपोजिट, इसकी जो डायरेक्शन है ना आपने चेंज कर दी. अभी हम इसमें जब चेंज करेंगे तो जो हमारा नाउन क्लॉज रहेगा वो ऑब्जेक्ट लिस्ट पर है, इसलिए इसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. ठीक है ना, ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. तो अब जैसे हमने ये बनाया था दे आर सेइंग दिस यू शुड डू वेल, तो यहाँ दिस की प्लेस पर हमने दैट लिखा, दे आर सेइंग दैट यू शुड डू वेल. अब हम इसी प्रकार इसको बनाएंगे, ही इज बिलीविंग दैट दे कैन अचीव समथिंग, इस टाइप से ये बनेगा. ठीक है ना? यस सर. तो यस सर. अब नेक्स्ट इसी टाइप से नेक्स्ट सेंटेंस और बनाते हैं आगे. अब स्पीकर ऑफ कर लीजिए आप, अगला भाग यहाँ लिखते हैं. ऊपर साइड लिखते हैं, यहाँ पर स्पेस है, ये स्पेस तो आपको दिख ही रहा है. They thought this he could do well. अब इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, ये कौन बताएगा? खुशी विश्वकर्मा आप बताइए. खुशी विश्वकर्मा आपको आवाज आ रही है? तो आप स्पीकर को ऑन करके आप आंसर बता सकते हैं. हाँ बताइए. चलो कौन बताएगा? अच्छा अपना स्पीकर ऑन करके बता सकते हैं. थॉट दैट ही कुड डू वेल. यस दे थॉट दैट ही कुड डू वेल. ओके यस सर. दे थॉट दैट ही, इसके नीचे लिख देते हैं स्पेस नहीं है, कुड डू वेल. ठीक है ना, यहां भी लिख सकते हैं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हुआ, यहां सीधा चला जाएगा ये. ही कुड डू वेल. ओके अब हमारा इसमें नाउन क्लॉज क्या हुआ? कंजंक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस कहलाएगा नाउन क्लॉज. ओके और रिमेनिंग क्लॉज इज प्रिंसिपल क्लॉज. ओके अब हम और आगे बढ़ते हैं. तो ये आपको समझ में आ गया, इसके आपको 10 एग्जाम्पल बनाना है सिंपल कैटेगरी में. सेकंड सेंटेंस आपका सिंपल या नेगेटिव होगा तो ये डेट से कनेक्ट होता है. अब और अगले प्रकार की ओर चलते हैं.
अब वाक्य आधा इस प्रकार ही इज थिंकिंग दिस वी कुड अचीव समथिंग इज थिंकिंग दिस वी कुड अचीव समथिंग। ये तो सिंपल कैटेगरी में, क्योंकि अब हमारा जो बात का आएगा इंटरोगेटिव, कुड वी अचीव समथिंग। तो अब हम इस वाक्य को, जैसे हमने सब्जेक्ट और वर्ब में कंबाइन किया था कि जो सिंपल सेंटेंस दैट से आएगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा कनेक्ट किससे हो रहा था, हमारे सब्जेक्ट और वर्ब में, वेदर या इफ से। तो अब यहां पर ज्वाइन करेंगे, तो ही इज थिंकिंग इफ, ये जुड़ने के बाद अपनी साधारण अवस्था में जाएगा, वी कुड अचीव समथिंग। ओके, आप कंजंक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस कहलाएगा हमारा नाउन क्लॉज, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बेस पर है अभी, इसलिए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब में वेदर एफ से जुड़ा हुआ सेंटेंस कहलाएगा नाउन क्लॉज। रिमेनिंग क्लॉज इज प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, अब आपके लिए बनाना है सेंटेंस, तो आपको बनाना है कि समझ में आ गया आपको अश्विका, आपको समझ में आया, आवाज आ रही है आपको, स्पीकर ऑन करके आप बता सकते हैं कि आपको वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। तो आप और आगे चलते हैं, इसका सेंटेंस आप बनाएंगे। They are writing this we shall overcome, so they are writing this we shall overcome sentence simple ke baad hamari interrogative form mein chal raha hai, so shall we achieve something, इसको कंबाइन करना है सेंटेंस को, तो कंबाइन करके बताइए आप में से कौन बताएगा। They are writing if we shall achieve something. Yes, खुशी रघुवंशी ने बताया, they are writing if we shall achieve something. This correct sentence, wonderful. They are writing if we shall achieve something. Okay, एक और इसकी प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस की, और the teacher is talking about talking this are you understanding well, the teacher is talking this, are you understanding well, combine these sentences with noun clause, to bataiye aapko samajh aaya, the teacher is talking if you are understanding well, yes the teacher is talking if
आर यू अंडरस्टैंड यू आर अंडरस्टैंड पीयूष बता रहे हो पीयूष हां पीयूष ने भी सही बताया ओके द टीचर इज टॉकिंग इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल ओके चलो अब इसको आंसर लिखते हैं तो इसमें अंडरलाइन भी करेंगे हम तो आप देखते भी जाना तुम लोग द टीचर इज टॉकिंग इफ यू आर अंडर स्टैंडिंग वेल of this one is noun clause and remaining is use what is remaining ara jo agla jo bacha hua clause hai wo kya keh raha hai wo to noun clause ho gaya ye kya hai principal clause pradhan upavak to aap ये इसका जो टाइप है जब हम इसमें जोड़ेंगे सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आप लोग जानते हैं जो जब हम हिंदी में बनाते हैं क्या वाया पड़ रहा है तो इसका उत्तर हाँ नाम आएगा सिंपल इंट्रोगेटिव अब हम चलते हैं रीजनेबल इंट्रोगेटिव जो कारण बोधक प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनके पीछे कोई कारण होता है जैसे कब क्यों कहाँ कैसे क्या ये कारण बताया था तो और आगे चलते हैं अब इसके भी आपको टाइम सेंटेंस बनाना है ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करोगे फिर उसके आंसर बनाओगे तो ये फाइल को भी मैं आपको चेक करवाना है नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास में जब आप आएंगे तो इसको मिटा दें हम अब आया न्यू स्ट्रक्चर न्यू स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब में अभी हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंसों को जोड़ने का डेट का और इंट्रोगेटिव को हम जोड़ते हैं इफ से हम चलते हैं और आगे डब्ल्यू एच वर्ड की ओर तो शी इज ब्रीदिंग achieving she is achieving this why are you laughing she is achieving this why are you laughing ab wh word jo ek conjunction ka bhi kaam karte hain humne before class mein padha tha pehle iske तो हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इस प्रकार शी इज अचीविंग व्हाई अब जब ये जुड़ेगा तो अपनी साधारण अवस्था में जाएगा इट विल चेंज इनटू सिंपल यू आर लाफिंग अब कंजंक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस हमारा कहलाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब में नाउन क्लॉज क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्लेस पर है और नेक्स्ट जो बचा रिमेनिंग क्लॉज है वो कहलाएगा प्यूस तुम बताओ क्या कहलाएगा प्यूस तुम्हारी आवाज एकदम बीच में आती है बताओ क्या कहलाएगा ये प्यूस सोनी आवाज आ रही है चलो पीयूष तो नहीं बता रहे तो बता रहे हो पीयूष हाँ बताइए सर आवाज तो आ रही मगर इसका मुझको पता नहीं था क्या होगा अरे जो इस तरफ जो नाउन क्लॉज है तो जो बच गया वो क्या होगा अभी क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज प्रिंसिपल होगा ना वही तो पूछ रहे हैं अच्छा वो प्रिंसिपल यस सर वो तो होगा हाँ तुम क्या सोच रहे हमने तुमसे कह दिया कि इंग्लिश का पार्ट सुना ऐसा कुछ भी नहीं सिंपल से सेंटेंस है ओके yes, okay, okay. चलो अब इसके सेंटेंस बनाना है क्या तुम्हारी बीच में आवाज आ रही थी तो हमने कहा तुम्हें से पूछा जाए तुम्हारा क्रम में नंबर आए चलो अगला सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो उसको बताने के लिए बताना पहले सेंटेंस देख लो क्या है
ही इज रीडिंग दिस व्हेन हैज दे गॉन तो इसे कौन बताएगा हां बताओ ही इज व्हेन ही इज रीडिंग व्हेन हैज व्हेन ही हैज गॉन देखा भैया तो मत बोलो देखो अभी ये दीपाली ने बताया अभी कौन बताया हां बताओ हम बताएं सर्वांग हां सर्वांग बताओ सर्वांग He is reading. हाँ. He is reading when they had gone. Yes, correct. यही बता रहे थे ना सभी लोग. Yes, sir. इसी तरह से बनेगा. Yes. तो देखो आप. He is reading when they had gone. And in this sentence, what is noun clause? Speak what is noun clause who will speak about what is noun clause and principal clause kaun batayega ye the when they had gone noun clause and he is reading his principal clause wonderful yes sir okay आप इसके भी आपको 10 सेंटेंस बनाना है पहले ऐसे क्वेश्चन फ्रेमिंग करेंगे हम फिर इसका आंसर बनाएंगे और क्लॉज जो हम बना रहे हैं ये ग्रामेटिकल सिलेबस में तो रहते ही आपको बताया गया था क्लॉज का यूज हमारी लाइफ में किस जगह होता है ये आपको पता है क्या तो कौन बताएगा ये तो खैर ग्रामर इंग्लिश में तो खैर है ही अपनी जगह लेकिन यूज किस जगह होता है इसका कोई बता सकता है इनका यूज हाँ बताइए कौन बता रहा है तो सुनिए इनका यूज जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स होती हैं कोई भी जो लेख होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है कि चार चार लाइन का एक सेंटेंस बन जाता है हमारा हम सोचते हैं हमने टेंस पढ़े हैं वॉइस पढ़े हैं लेकिन इसका मीनिंग कहाँ से कहाँ जा रहा है अभी लग रहा होगा मीनिंग हम उसका सेंस निकालने लगते हैं लेकिन जब ये चार पाँच लाइन का एक सेंटेंस कनेक्ट होता है क्लॉज कैटेगरी में ही वो जुड़ता है उसका शाब्दिकर्थ उसके अनुसार दर्शाया जाता है तो ये ऑब्जेक्ट और वर्ब हमारा यहाँ पर समाप्त होता है अब और आगे की ओर अग्रसर होकर चलते हैं तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट टाइप है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट ऑफ हमें सभी टाइप को क्लियर करना है ऐसे एक एक करके तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन अभी क्या था ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब अब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन तो प्रपोजिशन जानते हैं आप लोग प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स विच शो द पोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन प्रपोजिशन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की स्थिति को बताते हैं पूर्व स्थिति प्री मींस पूर्व पोजिशन मतलब स्थिति जैसे इन ऑन अपॉन इनटू बिटवीन अमंग अबाउट ये सारे प्रपोजिशन के अंतर्गत आते हैं तो वर्ब हमारा इस प्रकार बनता है दे आर लर्निंग अबाउट दिस We would do well. Combine these sentences with noun clause. तो हम इसको join करते हैं तो आप देखिए आप They are. अभी इसमें नई चीज क्या आ गई प्रपोजिशन ये सेम ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब जैसा ही है बस नई चीज इसमें क्या हो जाएगी प्रपोजिशन हमारा जुड़ जाएगा They are. Learning about that we would do well.
अब इसमें कंजंक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस हमारा कहलाएगा नाउन क्लॉज, लेकिन इसके साथ साथ प्रपोजिशन से ही वो स्टार्ट होगा, ये हमारा शुरू होगा यहाँ से। दिस वन इज नाउन क्लॉज एंड रिमेनिंग इज प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, तो आप फिर से वाक्य बनाने का क्रम शुरू करते हैं, इसमें हम वाक्यों को जोड़ेंगे तो सेंटेंस बनाते हैं। दे आर लर्निंग ऑफ दिस we can change the techniques of science and technology ab combine these sentences with noun clause hum isko jodenge to kaun batayega bataiye। They are learning of that we can change the technique of science and technology. Wonderful. ये जो बताया है किसने, खुशी रघुवंश ने। Good. They are learning of that we can change the techniques of science and technology. Okay, अब conjunction से जुड़ा हुआ sentence हमारा कहलाएगा noun clause. So what is noun clause and what is principal clause? Speak loudly. बोलिए क्या noun clause होगा इसमें? Of that we can change the technique of science is noun clause and they are learning is principal clause. Wonderful. Udit Raghavanshi. Good. Next, this one is principal clause. ओके, तो अब इसके भी 10 सेंटेंस आपको बनाना है, 10 क्वेश्चन फ्रेम करना है, ऐसे फिर उसके आंसर में क्लॉज को यूज करके प्रपोजिशन ऐड करने के बाद हम बनाएंगे नाउन क्लॉज। तो आपको एग्जांपल 10 बनाना है इसके। ओके, तो अब इसको मिटाया जा रहा है, इसके बाद फिर इसके ऑब्जेक्ट और प्रपोजिशन में नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। अब इसमें सेंटेंस जो है हमारा ऑब्जेक्ट और प्रपोजिशन में सेकंड सेंटेंस अभी हमारा दैट से कनेक्ट हो रहा था क्योंकि सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस दैट से कनेक्ट किए जाते हैं। अब हम इसको बनाएंगे वुड वी डू वेल, तो इसको हम किससे जोड़ेंगे? अभी तक हम सब्जेक्ट और वर्ब में हमने जोड़ा, ऑब्जेक्ट और वर्ब में हमने जोड़ा, अभी ऑब्जेक्ट और प्रपोजिशन में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कंबाइन करेंगे वेदर या इफ से। तो they are learning about if would we do well change into ho jayega we would do well। okay, this is and what is this k
क्या क्या होगा बताइए आप सर. अबाउट टू वेल प्रिंसिपल क्लॉज. अबाउट बी वुड डू वेल इज नाउन क्लॉज. ओके यस सर. नाउन क्लॉज और ये प्रिंसिपल क्लॉज. आप हमने इसको कंबाइन किया. एक सेंटेंस आपके लिए दे रहे हैं आप, तो आप इसको बोल के बताना. शी इज एग्जामिनिंग ऑफ दिस. डिड they go to another city. She is examining of this. Did they go to another city? So इसको चेंज करेंगे हम. यस बताइए. She is examining of that they went to another city. Yes, that they went. तो ये डिड जब सिंपल कैटेगरी में आएगा तो दे डिड के स्थान पर क्या हो जाएगा, गो की सेकंड फॉर्म आ जाएगी पास्ट टेंस. दे वेंट कोई भी टेंस हो वो चेंज इनटू सिंपल कैटेगरी में जाता है. तो हम बनाएंगे शी इज. कई लोगों ने एक साथ बोला, सही बोला, सुनाई आ गया हमें पूरा. वेरी गुड, वंडरफुल. शी इज एग्जामिनिंग ऑफ इफ. Did they की जगह they went to another city. तो आप what is noun clause and what is principal clause? Sir, he is examining of principal clause and if they went to another city is. Yes, this one is noun clause. तो ये अब हमने ऑब्जेक्ट और वर्ब के इंटरग्रेटेड टाइप को कंबाइन करने के प्रारूप को पढ़ा है. हम और नेक्स्ट इसके टाइप की ओर चलते हैं. तो ये आपको सबको समझ में आ गया. एक साथ सब लोग स्पीकर ऑन करके भी यस बोल सकते हैं. आया आपको समझ में? चलो बंद कर लीजिए दोबारा से स्पीकर. अब देखिए और आगे इसका ऑब्जेक्ट और प्रपोजिशन में हम कंबाइन करेंगे सेंटेंस को, तो उसको मिटाते हैं. अभी हमने सेंटेंस को वेदर एफ से जोड़ा, अब यहाँ डब्ल्यू एच जोड़ा जाएगा. वेयर या वाय, वैन, हाउ, ये कुछ भी हमारा शब्द आ सकता था, ठीक है ना. तो अभी यहाँ पर हमने लिखा वेयर, डब्ल्यू एच आर ई वेयर. हाँ हम इसको कंबाइन करेंगे तो कैसे होगा देखिए. दे आर लर्निंग अबाउट where we would do is we would do well. यहां पर about where we would do well is noun clause and remaining is principal clause. ओके तो आप एक सेंटेंस आपको बनाने के लिए देते हैं, तो आप उसको बनाना और फिर आपको उसको बोल के बताना है.
he is speaking among this when are we learning something he is speaking among this when are we learning something yes combine this sentence with noun clause boliye aap zara He is speaking about something. Okay, वंश की आवाज आई पीयूष की आवाज आई सुजल दीपाली काफी लोगों ने एक साथ बोल दिया है ओके तो अब मैच करते हैं He is speaking among when we are learning something Now speak the sentence what is noun clause and what is principal clause he is speaking among the principal clause and the when we are learning something noun clause among तक तुम्हारा क्या रहेगा among से स्टार्ट होगा तुम्हारा ये सर among से ही होगा तो ये speaking तक रहेगा ठीक है principal yes sir और ये जो है ये रहेगा तुम्हारा noun clause ये अभी जो बोला था इसने वो इस फिल्म में बोल दिया एकदम लेकिन उसके जो बोलने का जो सिस्टम था वो सही था वो बोलना आ रहा होगा स्पीकिंग तक आ रहा होगा लेकिन इंसान बोल दिया है अब आंसर लेकिन ऐसा बनेगा है ना तो ये तुम्हारे सारे जो प्रकारों को यहाँ पर दर्शाया गया है ऑब्जेक्ट और प्रपोजिशन में डब्ल्यू एच वर्ड से कनेक्ट होने वाले सेंटेंस को तो ये सभी बातों को आपने सीखा आज समझ में आया एक साथ सभी लोग स्पीकर ऑफ करके बोलना यस यस वेरी गुड तो अब इनके सभी के 10-10-10 एग्जाम्पल आपको बनाना है क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और फिर उनके बनाएंगे आंसर्स और फिर प्रॉब्लम में आप जब स्कूल होंगे तो आप उसको चेक करेंगे चेक करवाएंगे ओके थैंक यू स्टूडेंट थैंक यू सर थैंक यू सर